पापा पालक का जूस पी लिया करो, आयरन मिलता है। हे मेघा मेघा, देखो ये क्या बना है अपने इंडिया में। चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन गया हो। बाप रे, अपने एक फ्रीडम फाइटर पर सबसे बड़ा म्यूजियम बना है मारेवा के किनारे। टेंट सिटी, ट्राइबल म्यूजियम और वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा? अरे बड़ी बात तो अभी तक तुम्हें बताई नहीं, ये देखो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी। यू मीन स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची? अरे दो गुना ऊंची। स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से सालाना 45 लाख लोग आते हैं, यहाँ तो उससे भी ज्यादा लोग आएंगे। हाँ तो अरे टूरिज्म कितना बढ़ेगा, इनकम कितनी बढ़ेगी, इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी और इंडिया की इज्जत कितनी बढ़ेगी। हाँ पापा, पर ये जो प्रतिमा है ये किसकी बनी है? जिन्होंने अंग्रेजों को कह दिया था गेट आउट। बताओ। अरे अंग्रेज भी जिन्हें सलाम करते थे, अब तो बताओ। अरे जिन्होंने भारत को यूनाइट किया था। पापा अब ये सस्पेंस खोलेंगे, बताइए ना कौन थे वो? भारत के लोह पुरुष, भारत के आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर ये लोग अब तक कर क्या रहे थे, ये तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। तेरा है दुरुस्त है। अरे हाँ ये पियो, आयरन बहुत होता है इसमें। पापा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण होगा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार सरोवर डैम गुजरात से। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार है हमारा सरदार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि।